सो डियर स्टूडेंट, पिछली वाली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन अब तक अपलोड किए थे वो 59 क्वेश्चन तक किए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 11th साइंस और डिप्लोमा के क्वेश्चन पेपर के। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है हमको, अ मैन स्टैंड इन बिटवीन द टू वॉल्स एंड द बुस्ट अ बैलून ऑफ ही हेयर्स टू सक्सेसिव इकोज आफ्टर द 0.5 सेकेंड एंड 2.5 सेकेंड द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स वैन द स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर दो बॉल हैं, इसके बीच में कोई मैन यहाँ पे खड़ा है। ये मैन जो यहाँ से इको जनरेट होता है, पहले साउंड जाता है उसके बाद आता है, 0.5 सेकेंड लगते हैं इको सुनने के लिए। उसके बाद में इधर अगर वॉल पर साउंड जाता है फिर वापस आता है तो यहाँ तक 2.5 सेकेंड लगते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर टाइम कम लगता है, इधर ज़्यादा लगता है। पूछना आपसे ये चाहता है वॉट इज़ द डिस्टेंस ऑफ वॉल, कि वॉल की डिस्टेंस कितनी है। तो वॉल के डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हमको यहाँ पे डिस्टेंस इतना पता करना पड़ेगा, फिर इतना पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम जो क्वेश्चन के अंदर की बात कर रहे हैं, अब हमें यहाँ पे टाइम दिया गया है, टाइम T1 की वैल्यू है 0.5 सेकंड। अगर हम इसके लिए डिस्टेंस निकालें तो फॉर्मूला होता है इको सिग्नल के लिए वी इंटू टी बाई टू, और स्पीड ऑफ साउंड ये दे रखा है हमको यहाँ पे 332 मीटर पर सेकेंड। तो वी की जगह पर रख देंगे 332 मल्टीप्लीकेशन टाइम 0.5 सेकेंड है डिवाइड बाई 2 है। इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 5 टू ज़ा 10 होता है, और 5 4 ज़ा 20 होता है। तो 4 से अब हम 332 को कैंसिल आउट कर लेते तो ये 33 टाइम्स कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 83 जो निकल के आया 0.5 सेकेंड के लिए, यानी कि ये डिस्टेंस निकल के आया 83 मीटर। अभी हमें ये डिस्टेंस और पता करना है, जब 0.5 के लिए हमारे पास में 83 है तो 2.5 के लिए क्या हो जाएगा, इसी में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या इसके लिए भी हम ऐसा ही T2 की वैल्यू को जो हम मानेंगे यहाँ पे 2.5 सेकंड, देन हमको पता है डिस्टेंस निकालना है तो 332 मल्टीप्लीकेशन 2.5 डिवाइडेड बाई 2, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 20 लगे जाए लगा लेंगे तो 5 4 ज़ा 20 5 5 ज़ा 25, इसके बाद में 4 से कैंसिल आउट करते तो 83 आ जाता है। देन डी इज इक्वल टू हमारे पास में मिलेगा 83 मल्टीप्लीकेशन 5 जो कैंसिल आउट करने, जो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 5 3 ज़ा 15, देन उसके बाद में 8 3 ज़ा फिर 5 आ जाएगा। तो इसके जब 5 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8 41। अब ये D1 निकल के आ गया, D2 निकल के आ गया हमारे पास में 41, क्योंकि D अगर ये था तो ये D1 आ गया। टोटल डिस्टेंस यहाँ तक हमारे पास में निकल के आई है 451, ये जो इतने डिस्टेंस है। अब दोनों को अगर हम सम कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, यानी कि मैन डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में D1 D+ के D1, तो ये हो जाएगा 83 + 415, जो सम होने के बाद निकल के आ गया 498। इसकी वजह से ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें वीडियो के अंदर दिया, इसके अंदर क्वेश्चन दिया गया है पेपर के अंदर, हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी अ 5 एम्पियर ऑन अ वोल्ट लाइन इज 220 वोल्ट लाइन। तो हम इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 61, ये क्वेश्चन हमारा साउंड वाले चैप्टर से था जो 9th क्लास का लास्ट टॉपिक आता है। देन उसके बाद में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो इलेक्ट्रिसिटी से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 61। और इस क्वेश्चन के अंदर हमको पूछा गया है यहाँ पे हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता है कि करंट दिया गया है I 5 एम्पियर का, और जो हमें V दिया गया है वोल्टेज वो 220 वोल्ट का। अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, जो 220 डिवाइडेड बाई I, I का मतलब है 5, तो 5 से कैंसिल आउट कर लेंगे यहाँ पे तो 5 4 से कितना हो जाएगा 20, देन 4 फिर हमारे पास में कितने बचेंगे यहाँ से 2 बचेंगे तो फिर 20 हो जाएगा, 5 4 से 20। तो R का मतलब रेजिस्टेंस जो आया वो 44 ओम आ गया है।
अब 44 ओम्स के कॉम्बिनेशन से हमें 176 का इक्विवेलेंट बनाना है, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि कितने रेजिस्टेंस आने चाहिए। ये पैरेलल में लगा के आया है, तो उसका मतलब हमारे पास में जो नेट रेजिस्टेंस आएंगे, तो 176 जो हमारे पास में टोटल रेजिस्टेंस है और लगेंगे कितने 44 ओम के, तो टोटल रेजिस्टेंस जो निकल के आएंगे इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा हमारे पास में 40 88 88 176, तो ये 4 times कैंसिल आउट हो रहा है डायरेक्ट। तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो लगाए गए हैं वो यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। अब ऑप्शन में हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर 2 ohm वो 2, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 4, ऑप्शन नंबर में सी में दिया है हमको 6 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हमको 8, तो 4 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर फिर ये भी इसी चैप्टर से है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन में दिया गया है हमको अ मैन यूज अ 100 watt बल्ब 8 hours अ डे। उसके बाद एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 300 watt 4 hours अ डे। The total cost for the month of November at the rate of rupees 4 per unit will be। ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर ए के अंदर 160 rupees, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हमको 240 rupees, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हमको यहाँ पे 320 rupees, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हमको यहाँ पे 600 rupees। अब इसका जो सॉल्यूशन बनेगा क्वेश्चन का वो अ मैन यूजेस अ 100 watt बल्ब 8 hours, तो 8 hours में टोटल जो पावर सप्लाई हो जाएगा इसका वो 100 × 8 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि 100 watt का बल्ब 8 hours तक चलता है, तो पावर टोटल कितना लगेगा 100 × 8 इसका मतलब 800 watt। उसके बाद में एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 300 watt का है और 4 घंटे तक चलता है, तो उसकी जो पावर हो जाएगी 300 × 4 और टोटल पूछ रहा है, तो इन दोनों के टोटल पावर जो हो जाएगी वो हमारे पास में 800 प्लस के 400, तो ये हो जाएगी हमारे पास में 800 प्लस के 1200 जो 2000, तो 2000 का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इतने वोट में है, यानी कि 2 kilowatt पावर आ गई। अब ये डेली कितने दिन तक चल रही है, चलते हैं द टोटल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ नवम्बर, नवंबर के महीने की कॉस्ट निकालनी है, ये एक दिन के लिए इतनी पावर है इतने किलोवाट। अगर हम नवंबर के महीने की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास में होते हैं 30 days, तो एक दिन की पावर इतनी है, अगर 2 की मल्टीप्लिकेशन हम 30 में करें तो ये हो जाएगा 60 kilowatt हमारे पास में भी पावर आ गई। अब 60 kilowatt जो पावर आई है उसकी जो यूनिट है कितनी है, 4 rupees पर यूनिट, तो इसका मतलब 1 unit की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 kilowatt hour। अब हमारे पास में ये जो पावर निकल के आई है ये इतने किलोवाट आवर आ गई है निकल के 60 kilowatt, और एक की जो एक यूनिट की जो कॉस्ट दे रखी है उसने वो 4 rupees दे रखी है, तो इसका मतलब 4 × 60, तो ये हमारे पास में निकल के आ जाएगा 4×24, तो 240 रुपये खर्च होंगे एक महीने के बिजली के बिल में।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 63, वो भी नेक्स्ट चैप्टर से है हमारे पास, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्वेश्चन नंबर 63। Which of the following statement is not true? और इसमें हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अपोज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये तो ऑप्शन इसका सही नहीं है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। देन आगे के मैं इसमें लिख देता हूँ बोर्ड पे, आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं इसने, एन इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अपोज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो सही नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, सही है। उसके बाद आगे के ऑप्शन भी चेक करते हैं, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सही बात है, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो EMI के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करेक्ट, ये सही बात है, लेकिन उसमें जो सही नहीं है वो बताना है। थर्ड कह रहा है द फील्ड लाइन एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये भी सही बात है। द इलेक्ट्रिक फील्ड The field at the center of a long circular coil carrying current will be parallel straight wire. सही ऑप्शन है, हाँ पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन डी ऑप्शन में दे रखा है हमको। अ वायर विद अ रेड इंसुलेशन इज यूजुअली टू लाइव वायर ऑन एन इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये भी सही है। तो इसमें नॉट करेक्ट बताना था, तो फर्स्ट ऑप्शन ही नॉट करेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन सही थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 64, वो क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी से, और उसके अंदर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी, तो कौन सा सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी नहीं होता है। आपको भी पता होगा सोर्स ऑफ एनर्जी को जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को बताते हैं कि जो बायोमास के लिए होता है वो गोबर गैस और वुड और चारकोल, ये सब जो होते हैं ये बायोमास के लिए होते हैं, क्योंकि ये अर्थ के अंदर जाके नीचे दबके 7-8 दिन बाद धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, बट न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर बनाई जाती है, तो उस ये यूरेनियम की वजह से बनते हैं, तो उस वजह से ये हमारे पास में बायोमास का ऑप्शन नहीं होता। क्वेश्चन के अंदर भी यही पूछा गया है 64 में, यहाँ पे दे रखा है इसने विच ऑफ द फ्लोविंग Which of the following is
नॉट अ सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी. ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमको दिया है वुड, ऑप्शन नंबर सेकंड में हमको दिया है गोबर गैस, एनिमल डंग गैस, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है हमको न्यूक्लियर एनर्जी. ये यूरेनियम से बनाई जाती है, बायोमास का सोर्स नहीं है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए. और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हमको कॉल. ये तीनों के तीनों जो प्रोसेस हैं बायोमास के ही हैं, बट जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है वो बायोमास का नहीं होता, तो उसी वजह से बायोमास इसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसके लिए वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, ये लाइट से क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स मिरर द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पॉल. इसके लिए हमको जो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया है लेस देन एफ, सेकेंड ऑप्शन में हमको दिया गया है बिटवीन एफ एंड टू एफ, थर्ड में दिया गया है हमको इक्वल टू एफ, और फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन में दिया गया है हमें ग्रेटर देन टू एफ. सो हमको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर की. तो कॉन्वेक्स मिरर का जो साइज शेप होता है कुछ इस तरह से. अब उसके लिए कहाँ पूछा है इसने, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज. अगर हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे मान लीजिए, और इससे जो लाइट रे जाएगा कुछ इस तरह से, अभी जो लाइट रे जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल से पैरेलल जा रहा है, जो ऊपर की तरफ चला जाएगा जिसे हम डॉटेड डॉटेड आगे बढ़ाएंगे जो फोकस पे जाता हुआ मिलता हुआ दिखाई देता है. अब उसके बाद में अगर हम यहाँ से लाइट को फोकस पे पहुँचाएँ तो ये जो डॉटेड डॉटेड फोकस पे जाएगा ये यहाँ से इस तरह से हो जाएगा. अगर इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुँचाएँगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट यहाँ से गया, सपोज़ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, देन ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो जाती है वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाती है. तो इसका मतलब ये हुआ इस लाइन को हम जहाँ भी ड्रॉ करें तो इसकी जो इमेज है फोकस पे बन सकती है, या फोकस और पोल के बीच में यहाँ पे बन सकती है. तो इसका मतलब हमारे पास में जो होगी डिस्टेंस वो फोकल लेंथ और पोल के बीच की होगी. तो फोकल लेंथ और बीच की होगी तो लेस देन एफ होगी, या एफ हो सकती है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता. यहाँ इक्वल टू टू एफ है जो सही नहीं होगा ऑप्शन, ये एफ एंड बिटवीन टू एफ, एफ और टू एफ ये भी सही नहीं होगा. तो इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आया 66. क्वेश्चन नंबर 66 में हमको दिया गया है अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर माइनस 0.5. क्वेश्चन नंबर 66, अ पर्सन नीड अ लेंस ऑफ पावर माइनस 0.5 डायोप्टर फॉर correcting his distinct vision what is the focal length
ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टिंक्ट विजन? इसके अंदर हमको दिया गया है पावर लेंस का, और जो दी गई है माइनस के 0.5 ये ऊपर वाली लाइन इसमें दिखाई नहीं दे रही है, वो ज़्यादा ऊपर लिखा गया है तो आप इसे नोट कर लेना एक बार। तो उसके बाद ये दिया गया है हमें यहाँ पे, पावर हमने ऊपर लिख दिया इसका, तो इसमें दिया गया है हमें ये पावर, अ पर्सन लेंथ ऑफ नीड ऑफ पावर इज माइनस 0.5। अब हमें पता है कि अगर पावर हमारे पास में माइनस के 0.5 डायोप्टर दिया गया है तो फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो फोकल लेंथ आएगा 1/p जो निकल के आएगा हमारे पास में 1/ 0.5, माइनस साइन के साथ में पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगा लेंगे यहाँ पे, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 निकल के आएगा, तो माइनस के 2 ये हमारे पास में जो निकल का है 2 मीटर में निकल के आएगी फोकल लेंथ। तो ऑप्शन इसके अंदर हमको दे रखे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए माइनस के 0.20, ऑप्शन नंबर बी प्लस के 0.20 मीटर, ऑप्शन नंबर सी माइनस के 0.02 मीटर, ऑप्शन नंबर डी प्लस के 0.02 मीटर, ये हमको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू को हम एक बार सही रख लेते हैं, हमें पावर पता है माइनस 0.5 है और फॉर्मूला आता है पी इजिकल्स टू 1/kF। अगर हम यहाँ से फोकल लेंथ निकालेंगे तो एफ इजिकल्स टू हो जाएगा हमारे पास में 1/kP, और पी की वैल्यू एफ इजिकल्स टू 1/k, पी का मतलब है माइनस के 0.5। अब माइनस के 0.5 में यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन, अब इससे जब हम डिवाइड करेंगे 1 को तो ये हमारे पास में आ जाएगा निकल के 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हमें यहाँ पे मीटर में दे नहीं रखा है, तो हमें 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें जो ऑप्शन मिलेगा वो बेसिकली इससे जब कैंसिल आउट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगाएंगे और 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आएगा, तो फोकल लेंथ आ जाएगी हमारे पास में माइनस के 2 मीटर, बट ऐसा ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है शायद, तो उस वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इसका एक भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है। एक भी ऑप्शन इसके लिए मैच नहीं कर रहा है, तो उस वजह से अब हमारे पास में इसका आंसर जो होगा माइनस के 2 मीटर ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 67। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67, उसमें दिया है हमको द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड वाटर has 4/3 if the speed of light in glass is 2×10^8 meter per second, the speed of light
इन वाटर इन मीटर पर सेकेंड इज ऑप्शन नंबर ए 1.50 मल्टीप्लीकेशन 10 दूसरी पावर 8, ऑप्शन नंबर बी 1.78 मल्टीप्लीकेशन 10 की पावर 8, ऑप्शन नंबर सी 2.20 मल्टीप्लीकेशन 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी वो दिया गया है हमको यहाँ पे 2.67 मल्टीप्लीकेशन 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया गया है वाटर के लिए 4/3 ये दे रखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब हमें नेटा की वैल्यू 4/3 है और हमें इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड निकालने का फॉर्मूला था नीटा इजिकल्स टू सी अपॉन के वी। अगर वी निकालेंगे तो वी इजिकल्स टू हो जाएगा सी अपॉन के नीटा, जबकि सी की वैल्यू होती है 3 × 10 की पावर 8, और अगर नीटा की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ये होगा 4/3, इसकी वैल्यू ऊपर चल जाएगी तो ये हमारे पास में आ जाएगा वी इजिकल्स टू 9 × 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 4। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं ये ऊपर चले जाएगा यहाँ पे, तो 4 × 8 बचेगा 1, हो जाएंगे कितने यहाँ पे 4 × 8 बचेगा 1 हो जाएंगे 20 और 4 × 5 = 20, तो v इजिकल्स टू निकल के आएगा 2.5 × 10 की पावर 8 जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जाएगा यहाँ पे 4 × 8 बचेगा 1 हो जाएंगे 10 फिर 4 × 8 फिर बचेंगे 2 हो जाएंगे 20 फिर 4 × 5 = 20, तो इतनी आएगी तो अप्रोक्सीमेशन इसके आसपास में आ रही है तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा केमिस्ट्री से, तो डियर स्टूडेंट ये हमें यहाँ पे अब तक फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे वो यही थे जो हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2019 के डिप्लोमा और 11th साइंस के पेपर क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसमें फिजिक्स के आपने जितने भी क्वेश्चन देखे गए होंगे सारे बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन थे, कोई बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले पे नहीं थे, कोई ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं थे, सब सिंपल सिंपल थे और जो 9th और 10th का जो सिलेबस होता है उसी से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग अपना 9th और 10th का अगर अच्छे से सिलेबस को प्रिपेयर करें